हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गैस मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सब्ज़ी। तो गैस मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू कटे हुए और जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आपके पास, जैसे बीन, गोभी और गाजर। तो इसको अच्छे से मैंने काट लिया है, शिमला मिर्च और परवल, भिंडी, जो भी अवेलेबल सब्जी हो आपके पास उस तरीके से काट कर धो लीजिए और महीन महीन काटिएगा। और लेंगे कढ़ाई लोहे की, थोड़ी सी बड़ी लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। तेल की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, यानी कि समथिंग 3 चम्मच डालना है। तो मैं सब्ज़ी कुछ ज़्यादा बना रही हूँ कढ़ाई भरकर। और आप इस समय जैसा कि श्राद्ध चल रहे हैं तो इसमें आप सब्ज़ी आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे बनाने के लिए, हलवाई स्टाइल में सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू को धोने के बाद छलनी से छान लिया है, पानी उसका बिल्कुल ख़त्म निकल जाए तो इसमें आलू तल लेंगे। तो आलू को अगर आप तलेंगे खूब ज़्यादा से तेल में, तो अब मैंने अदरक लिए, अदरक को कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। तो लीजिए आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो गुलाबी हो जाएंगे, तो इसको निकाल लीजिए दूसरी थाली में। तो इस तरीके से गाइस आप सब्जी मिक्स वाली बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है सब्जी। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। तो आप ही लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रो होगा। तो लीजिए, मैंने आलू को तल लिया है और इसको एक थाली में निकाल लिया है। तो अब जो ऑयल बचा है, कड़वा तेल, समथिंग 2 चम्मच तेल है, इसमें डालेंगे जीरा। और विदाउट प्याज सब्जी बनानी है और इसमें डालेंगे हींग। हींग की क्वांटिटी भी परफेक्ट रखनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, आधा टीस्पून से कम। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून डालना है। और ये सब्जी गाइस समथिंग 20 लोगों के हिसाब से बन रही है। अदरक जो कद्दूकस की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और जो मिक्स वेज सब्जी है वो इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च, भिंडी, परवल, गाजर, गोभी। अभी आलू तो तल के अलग रख लेंगे और इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला समथिंग 2 चम्मच और गरम मसाला आधा टीस्पून और टर्मरिक पाउडर ऑलरेडी 1.5 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो 1.5 टीस्पून वरना 1 टीस्पून। तो इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है और स्वाद अनुसार नमक, उसकी भी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी, 2.5 टीस्पून। तो आप परफेक्टली इस तरीके से सब्जी आप बना सकते हैं गाइस। तो इस समय गाइस श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में आप इस तरीके से जब बनाएंगे सब्जी तो सच मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि ये प्रसाद है। और इस तरीके से इसको जब सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे, इसके बाद में डाल देंगे आलू। अब आलू को डालने के बाद इसमें हरी मिर्च को थोड़ा सा बड़े पीसेस में डालना है ताकि जब आप खाएं तो पता चल जाए कि यहाँ हरी मिर्च है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। अब लेंगे टमाटर और इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा बड़े साइज़ में ही काटना है, ना कि ज़्यादा छोटे। इस तरीके से आप काट सकते हैं और काटने के बाद इस तरीके से टमाटर के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, ना ही ज़्यादा छोटे ना ही बड़े, और इस तरीके से। तो गाइस आप मेरी वीडियो कौन से जगह से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि मिक्स सब्जी कितनी बढ़िया बन रही है। तो अब इसमें आप चाहें तो ग्रीन वैली भी डाल सकते हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो लीजिए 10 मिनट हो चुका है, अब इसको आप देख सकते हैं ऑलरेडी पानी सब्जी में, हरी सब्जी में पानी ऑलरेडी अपने आप ही आ जाता है। तो इस तरीके जो पानी है बीच में, इस तरीके से सब्जियों को हटाकर और बीच में पानी, सब्जी का पानी इस तरीके से सुखा लेंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और सब्जी पककर तैयार हो गई है। आप
आपको मैं आलू पहले ही पक के आधा हो गया था। और इस तरीके से हरी सब्जी है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और इस तरीके से सब्जी परफेक्टली बन गई है, उसको सर्व कर लिया है। सो गाइस, आपको सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पंडित जी को जब खिलाएंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा, इस तरीके से आप खिलाइएगा तो आपको सब्जी की रेसिपी देख के आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया बनी है। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बनाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बनाएंगे गाइस मैं पूड़ी और टमाटर आलू की सब्जी। टमाटर आलू की सब्जी बनाने के लिए गैस आलू को बॉईल कर लेंगे और कुकर ऑन करेंगे, और गैस को ऑन करके कुकर रख देंगे। और कुकर गर्म हो गया है, इसमें आलू को इस तरीके से फोड़ लेंगे। तो टमाटर आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बना सकते हैं विदाउट प्याज। तो गैस टमाटर आलू की सब्जी इस तरीके से आप बनाइएगा। आलू को परफेक्टली उबालिएगा अच्छे से, जो भी कच्चे न रहें। और सारे आलूओं को इस तरीके से एक एक करके सारे आलूओं को फोड़ लेंगे। तो कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल सम आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो इस तरीके से टमाटर आलू में ऑलरेडी थोड़ा सा कम ही ऑयल लगता है, और ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो लीजिए, ऑयल गर्म हो गया है कड़वा तेल। तो डालेंगे जीरा, और जीरा गुलाबी हो जाएगा, इसको भुनने लगा है अब। अब इसमें डालेंगे हींग, हींग की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है। और इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च छोटे छोटे पीसेस जो मैंने काटे हैं, और इसमें तेल में तल लेंगे। और इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1.5 टीस्पून, तो मैं कुकर भर के बना रही हूँ। और ये धनिया पाउडर, और ये सब्जी गाइस समथिंग 20 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। क्वांटिटी आप दे सकते हैं कि मैंने 3 किलो आलू बॉयल किया है और बड़े कुकर में सब्जी बना रही हूँ। तो मसाला अच्छे से भून गया है, गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है। तो मैंने जो टमाटर बॉयल करके ग्राइंड कर रहा था मिक्सी में, वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से ग्रेवी तैयार कर लेंगे, और उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे, और आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है उससे। तो कश्मीरी मिर्च अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है। तो गैस 20 लोगों के हिसाब से ये सब्जी बन रही है, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक जो है 3.5 चम्मच पड़ेगा। तो जो मैंने बॉयल किए हुए आलू हैं वो इसमें डाल देंगे। फोड़ लिए हैं मैंने, तो ज़्यादा नहीं फोड़ना है, थोड़े बड़े पीसेस में ही रखना है। और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, तो भुनने के बाद इसमें आलू सारे ऐड कर देंगे एक एक करके। तो लीजिए, मैं सारे आलू डाल दे रही हूँ। और सब्जी बनाने के लिए गैस सावधानी का रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा कुकर है, और इसको भी ध्यान में रखते हुए। और इस तरीके से जब बनाएंगे, और इसमें डालेंगे पानी, पानी की क्वांटिटी समथिंग इसमें पड़ेगा 3 गिलास पानी। तो मैंने अभी डाला है 2 गिलास पानी, और 1 गिलास और पड़ जाएगा, 3.5 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो लीजिए सब्जी, इस तरीके से आप टमाटर आलू की सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगी विदाउट प्याज। तो गैस आप बिहारी जी के लिए भोग लगाइएगा, भगवान के लिए और भोले बाबा के लिए, तो इस तरीके से आप भोग लगाकर बना सकते हैं और खिलाइएगा सबको। तो इस तरीके से ये प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद का टेस्ट तो दुगना हो जाता है। तो गैस आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो इसमें ढक्कन लगाने से पहले लगाएंगे ग्रीन वैली, जो मैंने इसको पानी में डालकर रख दिया था 15 मिनट पहले। अब ग्रीन वैली को हल्का सा बॉयल कर लेंगे, तो
मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और खौल आ गई है ग्रीन वाली में मटर, तो इसमें से निकाल कर सब्जी में डाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप मटर डालेंगे तो इस टेस्ट को दुगना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मटर को बॉईल कर लिया है और सब्जी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने एक सीटी लगाई थी। अब मटर को बॉईल नहीं करना है। अब इस तरीके से सब्जी बनी हुई है टमाटर आलू की, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ऑलरेडी मटर अपने आप बफ जाएगी। तो इसमें डाल देंगे धनिया, हरा धनिया से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरीके से अब इसमें एक खौल और लगा लेंगे। तो लीजिए खौल आ गई है। और इस तरीके से गाइस टमाटर आलू की सब्जी आप बना सकते हैं। और आपको टमाटर आलू की सब्जी की रेसिपी, टमाटर मटर आलू की सब्जी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भगवान को भोग लगाइएगा गाइस। इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, तो आप पंडित जी को इस तरीके से आप सब्जी बनाकर खिलाएंगे। सच मानिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार हो गई है सब्जी। एक बार ट्राई कीजिएगा राधे राधे। अब बनाएंगे गाइस खीर। और खीर बनाने के लिए गाइस मैंने लिए हैं चावल। चावल को अच्छी क्वांटिटी का चावल लेना है। और चावल को धो लेंगे, भिगो देंगे 15 मिनट पहले। और दूध को बॉईल कर लिया है। अब कुकर लेंगे और भगोने में गाइस खीर नहीं बनानी है, भगोने में बनाएंगे तो भगोने में जलने की डर रहता है। कुकर में तली मोटी होती है, या आपके पास मोटी तरी का, जैसे नीचे भगोने की तरी जो होती है मोटी हो तो उसमें आप बनाइएगा, चूँकि आपकी खीर जलेगी नहीं। तो गाइस मैं कुकर में बना रही हूँ, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चावल मैंने लिया है 3 किलो दूध में 250 ग्राम चावल। तो गाइस इस तरीके से आप बॉईल किया हुआ दूध चावल में ऐड कर देंगे। और इस तरीके से 3 किलो दूध की खीर आप परफेक्टली आप बना सकते हैं। और खीर की रेसिपी गाइस आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो गैस को ऑन करेंगे और इस तरीके से चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि खीर मेरी बनकर तैयार हो रही है। और बिहारी जी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध समथिंग मैंने डाल दिया है और इसमें ऑयल आ गई है। और खौल लगाने के बाद गैस जब खीर बनाते हैं तो इसमें पहले चीनी नहीं ऐड करनी है, चीनी बाद में ऐड करनी है। इसमें डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और काजू स्वाद अकॉर्डिंग, और जो फ्रूट्स आपके पास हों मेवा आप डाल सकते हैं। इलायची, इलायची वो गाइस इसको फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद उसके जो बीजे हैं इसमें डाल देंगे, चाहे तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी इलायची को मैंने पहले अदरक वाला खल्लड़ से उससे इलायची को फोड़ लिया था। और इस तरीके से सारी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें डालेंगे गाइस मखाने। मखाने के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। आप इसमें किशमिश चाहे तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। किशमिश से खीर जल्दी ख़राब हो जाती है गाइस। और इस तरीके से परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है खीर। गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, तो चीनी की क्वांटिटी आप इस तरीके से रखिएगा। तो अब इसमें चीनी समथिंग आधा किलो से ज़्यादा चीनी ऐड हो जाएगी, तो आधा किलो से ज़्यादा ही पड़नी है। तो इस तरीके से गैस आप चाहे तो आप इसमें केसर डाल सकते हैं, या फ्रूट कलर येलो वाला, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, ना ही फ्रूट कलर डाल रही हूँ। मुझको वाइट खीर रखनी है। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिया है। तो गैस इस तरीके से गैस आप खीर बनाइएगा और बिहारी जी को भोग लगाइएगा और सभी को
खिलाइएगा। तो इस तरीके से गैस आप खीर बना सकते हैं। तो आपको गैस खीर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गैस मैं बनाने जा रही हूँ गैस पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए आटे का डो जिस तरीके से परफेक्टली तैयार करते हैं टाइट, तो इस तरीके से पूड़ियों को मैंने बेल लिया है और गैस को हाई फ्लेम पर रख के कढ़ाई में ऑयल गरम करके और पूड़ी को तलेंगे। पूड़ी तलने के लिए गैस बिल्कुल परफेक्ट कढ़ाई गरम करनी है और ना ज़्यादा ठंडी। अगर ठंडी कढ़ाई होगी तो आपकी पूड़ी नहीं फूलेगी। तो गैस आपको पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं पूड़ी। तो गैस पूड़ी परफेक्टली बनकर तैयार हो गई हैं और इस तरीके से गैस बनाइएगा, बिहारी जी को भोग लगाइएगा। सारी पूड़ियाँ मैंने सेक कर तैयार करके रख ली हैं और इस तरीके से गैस आप पूड़ी बना सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो कमेंट पे बताइएगा। सारी पूड़ी एक जैसी है सर गैस, मैंने खुद इस तरीके से बनाई है। अगर इस तरीके से गैस आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी पूड़ी आपको। मैं बनाने जा रही हूँ गैस उड़द की दाल की कचौड़ी। तो कचौड़ी इस तरीके से कचौड़ी का मसाला बनाकर कचौड़ी अंदर लोई में भर लेंगे मसाला और इस तरीके से बेल लेंगे। तो जैसे बेलने की पूड़ी थोड़ी बड़ी होती है, कचौड़ी थोड़ी छोटी होती है, तो इस तरीके से सारी कचौड़ियों को मैंने बेल लिया है और बेलने के बाद इसको तल रहे हैं। इस तरीके से आप कचौड़ियों को तलिएगा। गैस का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट रखना है और ऑयल की क्वांटिटी भी परफेक्ट रखनी है। जब ज़्यादा ऑयल होगा तो आप इस तरीके से जब तलेंगे तो समथिंग आप 8 पूड़ी भी एक साथ तल सकते हैं और 8 कचौड़ी भी। तो गैस कचौड़ी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ज़्यादा सी कचौड़ी डाल दी है और कचौड़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस आपको कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं पूरी रेसिपी डाल दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कचौड़ी का मसाला मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ। तो मैंने उड़द की धुली हुई दाल ली है, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसको भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। फिर मसाले को फ्राई कर के उसमें मसाले की दाल को चटपटा बनाने के बाद इस तरीके से अंदर डो भरा है और कचौड़ी धास की कचौड़ी से बोलते हैं, धास की कचौड़ी सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बढ़िया बनती है। तो गैस आप इस तरीके से बना सकते हैं। गैस बिहारी जी को भोग लगाइएगा और सभी लोग प्रसाद पाइएगा। तो गैस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कचौड़ियों की कमेंट में बताइएगा। और तो गैस इस समय श्राद्ध चल रहे हैं तो आप इस तरीके से आप बनाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।